हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए रिटेल सेक्टर का स्टॉक। आपने रिटेल सेक्टर में बड़े बड़े नाम जैसे कि डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे तो सुने होंगे, लेकिन टाटा के इस छुपे रुस्तम शेयर को बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसा इतना ज़बरदस्त मौका स्टॉक में बन रहा है, मैं कहूँगा दोबारा मौका नहीं देगा ये शेयर। चलिए देखते हैं क्या टेक्निकल, क्या फंडामेंटल और साथ में रिजल्ट को भी देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जा रहा है और करंट प्राइस 400 के आसपास है। 400 करंट प्राइस है, काफ़ी हाई पी पे जरूर ट्रेड कर रहा है ये 102 के आसपास, लेकिन डेट कंपनी के ऊपर 400-500 करोड़ का डेट है। सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त 20% के आसपास की है। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम क्या, हम बात कर रहे हैं ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड जो आपने देखा होगा फुटवेयर, अपैरल, एसेसरीज, टॉयज, गेम्स, जो आपने वेस्ट साइड सुना होगा, जूडियो रिटेल फॉर्मेट, ये सारे सब इसी के अंडर आते हैं। आज इस शेयर का रिजल्ट आया है, 4:30 बजे रिजल्ट आया। इस रिजल्ट का असर कल 1 अगस्त की मार्केट ओपनिंग टाइम पे देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे टाटा का शेयर, वो तो बता दीजिए टाटा का क्या शेयर है। ये देखिए ट्रेंट की जो हम बात कर रहे हैं, आज की डेट में 397 पे बंद हुआ है और टाटा की कितनी होल्डिंग है इसमें ये देखिए। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 28% होल्डिंग, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 5%, 4.5% की होल्डिंग है। तो ये इसीलिए टाटा का शेयर कहलाता है। अब रिजल्ट की जो हम बात कर रहे हैं, टोटल इनकम अगर मैं देखूं, ये सारी फिगर लाख में, अगर करोड़ में इनको कन्वर्ट करके बताता हूं तो देखिए आप क्लियरली टोटल इनकम अगर देखा जाए तो 803 करोड़ की इस क्वार्टर में हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 677 करोड़ थी और लास्ट ईयर जून में 596 करोड़ थी। तो ये तो स्टैंड अलोन बेसिस पे, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे टोटल इनकम मैं देखूं तो मुझे 823 करोड़ की टोटल इनकम दिख रही है, और जो कि पिछले क्वार्टर में 703 करोड़ थी और लास्ट ईयर जून में 622 करोड़ थी। टोटल इनकम में बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है, मतलब भाई ग्रोथ देखने को मिल रही है शेयर में, टाटा के इस शेयर में ग्रोथ क्लियरली। अब ग्रोथ तो आप कह रहे हो, प्रॉफिट की बात करते हैं। चलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो क्लियरली आप ये देखिए आप प्रॉफिट कितना शो किया है, 57-58 करोड़ का प्रॉफिट इस बार शो किया, जो कि पिछली बार 16 करोड़ का था। तो 16 से सीधे 58 करोड़ भाई क्वार्टर में इतना जंप, जबरदस्त भाई। लेकिन जून क्वार्टर में यही प्रॉफिट 38 करोड़ का था, तब भी बढ़िया है भाई, 20 करोड़ का जंप। ओवरऑल बेहतरीन प्रॉफिट दिखा रहा है, छोटा शेयर जरूर है, लेकिन अगर मैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखता हूँ, ये तो स्टैंड अलोन है। 36 करोड़ का प्रॉफिट दिखा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का लॉस था, तो बढ़िया पॉजिटिविटी। और लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ये 35 करोड़ का प्रॉफिट था, तो मैं कहूँगा बढ़िया पॉजिटिविटी। अगर आप देखें ये चीज़ें, अगर इतने अच्छे नंबर आने होते हैं ना, तो पहले ही शेयर में उछाल आ जाता है। आप देखिए क्लियरली ये शेयर पिछले कई दिनों से ऐसे जंप लिए जा रहा है कि 300 के लेवल से सीधे 400-450 के लेवल तक चला गया। अब आप खुद सोचिए 300 के लेवल से 450 तक जाना, मतलब कि 50% का जंप, बहुत ही बढ़िया। लेकिन 450 से कुछ टाइम से करेक्शन, पिछले 3 हफ्ते से लगातार ये करेक्शन पे आ रहा है और अपनी जो ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन है बिल्कुल वहां पे आ गया। अब कल मार्केट ओपन होते ही रिवर्सल देखने को मिल सकता है, कल मार्केट ओपन होते ही रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, ये स्टॉक बुल जोन में है और बहुत टाइम से ये बुल जोन में ही रहा है, मतलब करेक्शन जरूर आया लेकिन ये बियर जोन में गया ही नहीं। ये देखिए ऑलमोस्ट बुल जोन में ही रहा है। अगर आप और लॉन्ग, थोड़ा सा स्लो मूविंग दिख रहा होगा आपको, लेकिन बढ़िया शेयर, हमेशा बुल जोन में। तो जो भी ये निचले, जहाँ पे भी RSI नीचे करेक्ट होकर ऊपर को मूवमेंट दिखा रहा था, मतलब बढ़िया एंट्री का मौका। अब ये खुद देखिए स्टॉक को, अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो बिल्कुल यहाँ पे डेली चार्ट के बेसिस पे धीरे धीरे इसने स्लो डाउन किया। आज की डेट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, मिली थी, और लेकिन अब मैं कहूँगा कि भाई ये शेयर यहाँ से बाउंस बैक करने को, बिल्कुल अपने सपोर्ट की लाइन से, ट्रेंड लाइन से ऊपर बाउंस बैक करने को तैयार है ट्रेंट का ये शेयर। आपको यकीन नहीं होगा, इस शेयर में इतने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस, एयरसेक इंडिया फंड लिमिटेड, HDFC ट्रस्टी कंपनी, सुंदरम म्यूचुअल फंड, बहुत सारे फंड हाउसेज, L&T म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड, बहुत सारे फंड हाउसेज इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।